क्या किया तुम्हारे माँ की छूत तुम्हारी, वो हिंदुस्तानी भाऊ। ठीक है, अपनी ओला उबर में बैठ के आज से 3-4 साल पहले, जिसको कोई जानता नहीं था इंडिया में, वो बंदे ने लोगों को गाली दी। हाँ, मैं मानता हूं उसने गालियां दी ऐसे लोगों को दी जो इंडिया के बारे में बुरा बोलते थे, लेकिन वो बंदा फेमस तो गाली से ही हुआ ना। तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी, वो बंदा फेमस जो हुआ इंडिया में, हिंदुस्तानी भाई, जय हिंद दोस्तों, वो बंदा, जय हिंद दोस्तों, वो बंदा इंडिया में फेमस हुआ लोगों को गाली देने के बाद। सबको पता है, पूरे इंडिया में सबको पता है। ठीक है, वो अपनी कार में बैठता था और ऐसे बोलता था कि ये वीडियो मेरे सामने आई है यूट्यूब में, और वो गाली देता था भाई जो इंडिया के बारे में बुरा बोलता था उन लोगों को। ठीक है, गाली देता था बंदा रातों रात, बहन के लड़ो तुम लोगों ने, कुत्ते लोग, तुम लोगों ने गाली देने वाले बंदे को फेमस कर दिया। राइट, ओके। अब दूसरी बात, कैरी मिनाटी, कैरी मिनाटी जो बिखाची है खुद, ही इज बिलोंग फ्रॉम द रियली बिखाची फैमिली। डू यू नो बिखाची? राइट, बिखाची फैमिली से वो बंदा बिलोंग करता था। राइट, वो बंदे ने क्या किया, लोगों को गाली दी, लोगों को उसने अलग तरीके से गाली दी। राइट, जैसे मैं गाली दूंगा तेरे माँ की चूत, दैट इज द कॉमन गाली। राइट, लेकिन अब मैं ऐसा बोलूंगा कि लड़कियों को मैं चूत से उठा लेता हूं, दैट इज द माई स्ट्रेटेजी, दैट इज द डिफरेंट। चूत से उठा लो, चूत को पकड़ो और उठा लो। राइट, तो दैट इज समथिंग न्यू। तो उसने कुछ डाला गालियों के अंदर, नई चीज डाली उस बंदे ने। ही इज गोइंग टू बी फेमस इन इंडिया। लोग, तुम, तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी, तुम एक ऐसे बंदे को बोलते हो कि कैरी मिनाटी इज माई फकीन, क्या बोलते हो उसको, रुको ये लगाने दो, या आई एम अ बिग फैन ऑफ कैरी मिनाटी। तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी, साले कुत्तों लोग, जो बंदा लोगों को गालियां देता है, लोगों को चूत से उठाने की बात करता है, वो हिंदुस्तानी भाऊ जिसने लोगों को गालियां दी, गालियां दी उसने, लेकिन जो भी गाली दी उसने वो देश के खिलाफ बोल रहा था या जो भी था, एंड ऑफ द स्टोरी गाली आई ना। तो बेसिक नॉलेज में ये है कि जो नेगेटिव बोलेगा ही इज गोइंग टू बी फेमस इन इंडिया। तुम लोगों को, तुम लोगों की लाइफ पे आगे कोई रामचरित्र पढ़ेगा, कोई अच्छी बातें करेगा, जो तुम लोगों को ज्ञान देगा, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जो लाइफ के बारे में कुछ अच्छी नॉलेज देगा, तुम उसको ऐसा बोलोगे कि तुम्हारे माँ की चूत ये ज्ञान अपने घर पे जाके बांटियो, एंड चोद, ये तुम्हारा डायलॉग होता है। फिर लोग क्या करते हैं, लाइफ पे आके गाली बोलते हैं, रंडी भैंस और रंडी नंगा रंडी नाच कराते हैं। तो वही चीज दीपक कलाल ने की, तुम लोगों को फन कराने के लिए उसका जो कंटेंट था वो इंडिया के अंदर सबसे पहले था। तुम लोगों ने क्या किया, हिजड़ा बना दिया भोसड़ी वालों, तुमने उसे, तुमने उसको गालियां दी, यही तुम्हारी औकात है, समझे ना। तुम लोग सालों सिर्फ गालियां देना जानते हो, गालियां सहन करना नहीं जानते हो। तुम्हारे बहन की चूत, तुम लोगों में ना ईगो इतनी गांड तक घुसा हुआ होता है, बहन के लौड़ो, कि जेब में चवन्नी नहीं होगी, लेकिन तुम ऐसा बोलोगे रेस्टोरेंट में जा,
यो ब्रो लेट्स गो इन फकिंग रेस्टोरेंट, वहां जाके तुम ऐसा बोलोगे यार दोस्तों को, ओ माय गॉड आई फॉरगेट माय वॉलेट एट होम ब्रो, सॉरी मैन। तुम यही औकात है तुम्हारी, तुम ऐसा नहीं बोलोगे बहन के लोड़ो। अपने सच्चे दोस्त, तुम साले अपने दोस्त खुद के दोस्त से ही तुम झूठ बोलते हो। उसे तुम दिल खोल के नहीं बोल सकते कि बड़ी आई डोंट हैव मनी, आई एम ब्रोक, कैन यू पे फॉर मी। तुम साले इतने झूठ, खुद के दोस्त के साथ ही तुम चीटिंग करने वाले लोग हो। तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी, और तुम मुझे सिखाओगे तुम्हारी माँ का भोसड़ा भैण चोद कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। तुम्हारा बाप हूं मैं पनौड़ी, ठीक है ना? लो भैन चोद क्या है यार, वो दीपक कलाल भैन चोद दुनिया को हंसाता था, मस्ती मजाक करता था। उन लोग उन उन लोगों उसकी तुम लोगों ने माँ चोद दी। सालो कुछ तो शर्म कर लो, छोड़ो। चलो किसी को ऐड करने का टाइम आ चुका है। यह है, ऐड कर रहा हूं, आ जाओ फटाफट भाई, माँ चोद देंगे। अभी इतनी दारू क्यों पीता है जब तुझे हजम नहीं होती भोसड़ी के? सुबह सुबह यहाँ सुबह चाय पी रहे, तू दारू पी रहा है। भाई मैं तो हकीकत बोल रहा हूं ना भाई, मैंने कहा कुछ गलत बोला? कोई कुछ गलत बोला कि है? गलत बोला हो तो बोल तुम। भाई नहीं, गलत क्या, गाली तो बकबका कर पाले, लोग तेरे को प्यार करते हैं, तू ये थोड़ी तू गाली बकता है, पागल हो जाता तू पी के। अभी बोतल दिखा, पहले मुझे बोतल दिखा कितनी पी है। पूरी ऑलमोस्ट आधी खाली कर दी। दो पैक बात तो तू वैसे ही पागल हो जाना। भाई आधा पागल। मैंने तो भाई राहुल सच्चाई बोली लोगों को, ठीक है? अब भाई देख, सीधी बात है कि तू गाली देता है मैं गाली देता हूँ, हिंदुस्तानी भाव भी गाली देता है। वो कीरा क्या नाम है उसका, कैरी कैरी बिना मिनाटी, भी खाची कैरी मान मिनाटी को लो। तूने पिकाची क्या होता है? अरे वही जो गरीब की कोख से निकला हुआ बंदा बिखाची। अच्छा बिकाजी, ये बोलो, मैंने पिकाजी लिखा था, बिकाजी तो वो गरीब हाँ है। हाँ तो गरीब की कोख से निकला वो, उसने गालियां बालियां दी, उसकी गालियों में कुछ डिफरेंट है, इज गेटिंग फेमस राइट। यार ऐसे तो मैं भी हाँ झाटे पकड़ के उठा देता हूँ, भाई तिल हम बट्टे गाली से देते लंड हैं, कटवा दिए मैंने भी। मैं गाली देता हूँ, तू गाली देता है, सब गाली देते हैं, ठीक है? बहन हाँ चोद भाई, ये मत करो, वो मत करो। वो दीपक को लोगों ने पकड़ लिया कि तेरी बहन चोद देंगे, तू गाली देगा तो ये कर देंगे। तो तुम्हारे माँ की चूत तुम कैरी मीनाटी को और हिंदुस्तानी भाव को पकड़ो ना। हाँ अरे उसको भी पकड़ो, जोगिंदर को, वो देख कितना बहन का चुदाना निकला उसने। अब उसने अपना गाना खुद डिलीट करा के इतने व्यूज कमा लिए जितने उसके गाने नहीं चलने थे, देख कितने मादरचोद लोग हैं। भाई देखो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्या है पता है तुझे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये थड़ा भाई जोगिंदर, ये थड़ा भाई जोगिंदर। अरे भाई तुम जिसको तुम फॉलो करते हो, जिसको तुम अपना हीरो मान रहे हो, भोसड़ी वालों उस दिमाग दिमाग से सोचो तो सही, उसमें टैलेंट क्या है? सही बात, ठीक है, अब ये हिंदुस्तानी भाव नाम का जो बंदा है वो बोलता है कि मैं माँ बहनों की इज्जत करता हूँ, ठीक है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो भाई उसकी जितनी भी वीडियो यूट्यूब पे है, वो बहन के लोड़े को क्या लगता है इंडिया की कोई लड़की है वो वीडियो देखती नहीं होगी? क्यों नहीं देखते? उसने जो अपने देखते तो है। हंड्रेड हाँ उसने अपने जो 30 मिनट्स के, 1 घंटे के जो कन्वर्जेशन यूट्यूब पे डाल रखे हैं, राइट? हाँ तो उसमें क्या वो बहन का लौड़ा रामायण पढ़ रहा है? नहीं, ये तो है भाई, गालियां तो सभी देते हैं, अगली ऐसी पे बात देता है नहीं है। कि वो मादर चोद मुझे और दीपक को ऐसी बात नहीं बोलता है? अरे उसकी माँ की पनौड़ी, चूत। जब तू फेमस हो जाएगा ना नहीं, तो मुझे फिर तू फेमस भी। भाई, मैं मुझे फेमस होना ही नहीं, आई डोंट गिव अ फक ब्रो, आई हैव अ टोक के मनी ना, तो मुझे बिग बॉस अच्छा में भाई मैं हकीकत सुन, हिंदुस्तानी भाव जब लोगों को गाली देता है तो लोगों को गालियां फूल की तरह लगती है, राइट?
राइट और जब मैं और दीपक रोस्ट करते हैं तो भैनचोद में इंडिया आने के लिए भैनचोद घबराता हूँ, ये क्या बात हो गई है। नहीं यार तू इंडिया आ सकता है, ऐसी कोई बात थोड़ी है, ठीक है। गालियां तो सब देते हैं। दीपक को भैनचोद, दीपक को यू नो उसने जो भी रोस्ट किया वो किया, ठीक है। तो भाई मुझे लोग ये बताओ कि हिंदुस्तानी भाव जब बिग बॉस में नहीं गया था, वो जब अपनी कार में बैठ के वीडियो बना रहा था तो उसमें वो रामायण पढ़ रहा था क्या? रामायण का नाम मत ले। हाँ सही बात है, गाली नहीं बक रहे थे, गाली तो गाली तो बक रहा था वो। लेकिन ना उनका जो हिंदुस्तानी भाव का टॉपिक था ना, उसने गालियां जो बकी ना, वो पाकिस्तान के वकार जका को बकी। कई वकार जाका हो या कोई भी इंडिया के बाहर का बंदा हो, ठीक है। अब तेरी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट बी बुरा मत लगाना। कोई भी इंडिया के बाहर का बंदा हो या इंडिया के अंदर का बंदा हो, अगर तेरी लड़की को आके ऐसा बोलेगा, अगर तेरी लड़की यूट्यूब पे जाके फैन का लर्न मारती थी वो वीडियो देखेगी, तू देखने देगा? नहीं नहीं ये तो सच्चाई है, हम भी गलती करते हैं वैसे तो, सच्चाई है। गालियां तो कोई भी नहीं देगा तो ठीक नहीं रहेगा, ये तो सच बात है। वो भाई वकार जाका जहाँ पे भी है वो इंडिया को गाली दे रहा है। अब बैंड के लंड वो इंडियन प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तेरी गांड में क्यों चूल मच रही है इतनी? और वकार जाका होगा, वकार जाका होगा या लंड से होगा या चूत से होगा, भोसड़ी के इंडिया का बड़ा, इतना बड़ा प्रेसिडेंट बैठा है, उसको देश के ऊपर कोई खतरा दिखेगा, ही इज गोइंग टू बी स्टेप राइट। ये तो सच बात है, ठीक है। अब तू लाइव पे, तू लाइव वीडियो बनाता है, ये बनाता है, ये वो बनाता है, एंड तो तूने, उसने भी तो फेम खाया है लोगों का। हाँ हाँ सच्चाई बात है, लेकिन ये तो है कि फेम तो दुनिया ने खाया, ठीक बात है ना। अब दीपक, दीपक अपनी लाइव चला रहा है मस्ती से। अब दीपक तो किसी को बोलता नहीं है कि भैंसो तुम मेरी लाइव पे आबो 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 आबो, मैं तुम्हें चावल डालता हूँ, वो तो किसी को बोलता नहीं है। उसने किसी लड़की को रिक्वेस्ट दे दी, लड़की को लाइव पे आना नहीं आना उस लड़की की मर्जी की बात है ना। हाँ बच्चा है तो डिक्लाइन कर सकते हैं, लेकिन बड़ोड़ी ये भी है कि ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात भी तो है ना यार। देख किसी को गालियां देके बिग बॉस मिल जाता है, किसी को गालियां देके कुछ भी नहीं मिलता, ये भी तो किस्मत का तकाजा है ना। नहीं नहीं किस्मत का तकाजा होता है, लेकिन अपने आप को खुद की, अपने आप को होता है ये। वाह उसमें क्या होता है वो भी तो पहचानना चाहिए ना, कि भाई हम खुद गरीब हैं, हम खुद लोगों को गाली देके आगे आए हैं, तो कोई कुछ कर रहा है तो उसको करने दो, हमें क्या प्रॉब्लम है। ये सच बात है, नहीं ये नहीं बोलना चाहिए किसी को भी यार। मैंने तो इस चीज के लिए तू, मैं जब तीनू यादव की भी गांड फाड़ी थी, हम दोनों साथ ही तो थे, ये तो बोला था दीपक को उल्टा कैसे कोई बोल देगा भाई। ये तो जिस कटोरे में एक भिखारी ने भीख मांगी, अब उसी कटोरी में दूसरा भिखारी भीख मांग रहा है, तो पहले भिखारी को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए बता तू मुझे। नहीं नहीं होनी चाहिए, ये तो राइट है, ये तो सही बात है। ये बात कुछ नहीं गलत नहीं है, ये बात तो ठीक है। हाँ तो भाई बात, अब मैं इंडिया आया, मैं बहन चोद डर के, ठीक है। अब बहन चोद ये चाले कुत्ते, ये फैंस नल्ले लोग बोलते हम तुम्हारे फैंस है, फैंस है। अरे तुम्हारे माँ की चूत कहाँ के तुम, कौन सा टैलेंट है? हम बैंसो गालियां देते हम लोग, उसके अलावा तो कुछ करते नहीं हम लोग। हाँ सही बात है, साले फैंस उसको बोलते हैं जो तो हमारे वीर जवान देश पे छाती पे गोली खाते, उसके फैंस बनो भोसड़ी वाले। जो समाज के लिए भैंस कुछ कुछ करता है भैंस, तो उसके लिए तुम फैंस बनो। तो मैं नहीं पनोड़ी यार, मैं तो तेरे को यही कहना कहूंगा, लोग देख अब हम गाली भी बकते सब करते, लोग प्यार करते हैं, हंसी मजाक तो करते ही है ना हम लोगों से, लोगों को खुश तो करते ही है। ऐसा थोड़ी है कि हर टाइम हम गाली भी बकते रहते हैं, बात भी करते हैं सब। हम गाली बकरे तो एक दूसरे को बकरे, पब्लिक को हम ऐड करते तो पहले ही बोल देते कि रोस्टिंग लाइव अगर आओगे तो गाली बकेंगे, वो डिक्लाइन मार सकता है। और हम अब टूर में लाइव चलाते हैं, 50-50 बंदे डिक्लाइन मारते हैं, मारते नहीं
कितने बंदे वो डिक्लाइन मार देते, ये तो चलता रहता है, कोई ऐसी टेंशन नहीं। बाकी दारू कम पियो, पता चल, देख जितनी मर्जी मुंह से पी ले निकालनी कान से ही पड़ती है, इसलिए कम पियो। नहीं नहीं यार, मेरा दिमाग बिल्कुल सही नहीं यार, आई एम लाइक यू नो, बाकी मैं हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी को कभी बीच में नहीं लाता हूँ, क्योंकि उसको कोई औकात नहीं है मेरे सामने। अरे मैं उसको कभी मेरे, मैं बोलता ही नहीं उसके बारे में, बट मुझे ये जान, मुझे यू नो बहुत दर्द हुआ कि यार आप फैंस उन लोगों को बनो, अभी अपने वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो क्या था उनका नाम, वो जो शहीद हो गए हेलीकॉप्टर रास्ते में, बिपिन रावत, लाइक यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट गाय यार, जिसने देश के लिए पूरी अपनी जवानी अपना सब कुछ दे दिया, राइट? सही बात है। हाँ, और वो हिंदुस्तानी भाव हो या मैं हूँ या तू हूँ या दीपक कलाल हो, राइट, हम लोग कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने, नथिंग। अरे हम तो उनकी मिट्टी भी नहीं है पैर की, सच्चाई है यार, हम क्या है उनके, कोई भी कुछ नहीं है, सही बात। उन्होंने देश के लिए जान दिए, देश के लिए उन्होंने लगे रहे। हाँ, भाई देख, जब जब महाभारत चलती है ना, लोग महाभारत में कहते हैं लड़ाई है, लेकिन असली जो गीता का ज्ञान दिया गया ना, वो महाभारत में ही दिया गया, तो लोगों ने महाभारत में लड़ाई तो सीख ली, गीता का ज्ञान किसी माता चोद ने नहीं सीखा, बच्चों के फार्म ही भरते हैं लोग, लोगों को फार्म भरने आते हैं, बस बोलना आता है वो। हाँ वही, छोड़ो क्या चलता है लाइफ पे, गालियां ही तो चलती है लाइफ पे, इसके अलावा तो कुछ नहीं चलता, या तो रंडी डांस होगा, या तो गालियां चलेगी, या तो लड़की आके अपने कपड़े उतार देगी, उसमें ही खुश हो ना तुम लोग। फैंचोद, वो दीपक कलाल सुधर गया तो तुमने बोला फैंचोद के हिज्जी दीदी वापिस आ जाओ, हिज्जी दीदी ये कर दो, अरे फैंचोद तुमको चाहिए ही है, तुमको चाहिए ही है कि लड़की आके फैंचोद नंगी हो जाए, फैंचोद गाली गलौज चले, यही तुम लोगों को चाहिए। क्योंकि पता है क्यों, तुम लोग दुनिया के एक ऐसे कोने में रहते हो जहां पे लंड से सोचा जाता है चूत के बारे में, यहां से नहीं सोचते हो आप लोग सोचते हो लंड से। ये भैंचोद सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है आप लोगों का, समझे? तो सोचो लंड से सोचो, ठीक है, दिमाग से सोचो, दिमाग से तो तुम भोसरी नवाले नल्लो सोच ही नहीं सकते, अगर तुम दिमाग से सोचते तो तुम भैंचोद ये नल्ले इंस्टाग्रामर है जैसे मैं हूं, जैसे दूसरे लोग हैं, उन लोगों को कभी तुम फेम फैन नहीं बोलते, आई एम योर बिग फैन, ठीक है, तो नल्लो तो तुम हो ही, ठीक है, और गरीब भी हो उसके साथ साथ, औकात नहीं है कोई तुम्हारी, आई एम योर बिग फैन, ये तुम्हारी मौत की साले कुत्तो, मुझे ये बताओ कि तुमने कभी अपनी खुद की माँ को इतनी बार सैल्यूट किया है कि आई एम योर बिग फैन मॉम, बताओ तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी, साले कुत्ते बेरोजगार लोग, फैंचोद ना तो रील्स बना दी, दो चार डांस कर लिया, दो चार डायलॉग्स बोल दिया, तो अपने आपको क्या तुम बड़े बड़े सुरमा समझने लगे, औकात है कुत्तों तुम्हारी, क्या औकात है तुम्हारी, ये रील्स बनाना, लोगों की लाइफ पे जाके एडमी 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 एड कर लेगा, सर आई एम योर बिग फैन, गिव मी अ सेल्फी, यही तुम्हारी औकात है, तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी। ये जितने भी तुम भोसड़ी वालों हो ना भैंचो, जो गरीब नल्ले लोग जिनको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिनको अपने माँ बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो भैंचो सब अनफॉलो करो मुझे, सालो कुत्तो, भैंचो मर जाना चाहिए तुम्हें, जो भैंचो खुद
अपने लाइफ में वो खुद दीपक कलाल बोलता है कि आई लव माय मॉम वेरी मच। उसने उसकी एवरी सिंगल जगह पे उसने बोला है कि आई लव माय मॉम वेरी मच। वो खुद अपनी माँ को प्यार करता है, वो खुद अपनी फैमिली को क्रेडिट देता है कि भाई मेरे फैमिली ने मुझे, मेरे मामा ने, मेरे पापा ने, सबने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। और तुम साले नल्ले लोग, मैं इसका फैन, पनौड़ी के फैन हो तुम साले कुत्तो, मैं गाली देता हूं तुम लोगों को, तुम भोसड़ी वालों गरीब हो, बहन चोद तुम्हारे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है, मैं बहन चोद तुमको गाली देता हूं फिर भी तुम लोग आके ऐसा बोलते हो कि आई एम योर बिग फैन। सालो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक बंदा बहन चोद गाली देता है, ठीक है, रुको पैक बनाने दो, उसके बाद तुम्हारी मां चोदता हूं आज मैं। ये देखो, श्रीवास सही में यार, दूसरी बात, तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी, भोसड़ी के गरीब लोग तुम, सुनो हकीकत बोलता हूं अब मैं, बहन के लौड़ो तुम लोगों ने क्या किया, सालो तुम लोग बॉलीवुड, बॉलीवुड की तुम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम्हारे बहन की चूत तुम लोगों को पता है। मैं बहन जो अमेरिकन होके मुझे वो सॉन्ग पूरा याद है, क्या थूकता हूं तुमकी, तुम लोगों की जिंदगी पे थूकता हूं मैं। तुम साले इंडियन कल्चर की मां चोदने के लिए तुम बैठे हो, तुम साले नल्ले लोग। यहाँ पे बहन चोद हम सुबह उठ के बहन चोद जय श्री कृष्ण जय श्री राम बोलते हो, और तुम तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी ओ हाउ आर यू डूइंग गुड मॉर्निंग बेब। तुम बहन चोद, तुम साले दिखावे के लोग, तुम्हारी माँ का भूसड़ा, और तुम बहन चोद इंडियन कल्चर की बात करोगे, तुम लोग साले कुत्ते कमीने लोग। यहाँ पे हम लोग बहन चोद दिवाली पार्टी में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग फंक्शन में जाते हैं, एक दूसरे के हाथ जोड़ते हैं बहन चोद, और तुम वहां के इंडिया में तुम पूरा वेस्टर्न कल्चर लेके बैठ गए हो, और तुम मुझे सिखाओगे तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी इंडियन कल्चर क्या होता है वो। एक भी बंदा ऐड नहीं हो रहा है, देखो एक भी बंदा नहीं लिख रहा है कि मुझे सॉन्ग आता है। इतनी इतने 500 लोग जुड़े हैं यहाँ पे, अब भी 500 लोग थे, एक भी बंदा नहीं लिख रहा है कि मुझे वो सॉन्ग आता है। एक भी एक एक बंदे ने भी नहीं लिखा, तीन लोगों को मैंने ऐड किया, तीन लोगों लैप कर गए, एक बंदे को वो सॉन्ग नहीं आता, सोचो यही तुम्हारी औकात है भोसड़ी वालों। बस अभी मैं बोलूंगा कि जॉनी सिंह को कौन जानता है, देखो अभी लिखो हुई जॉनी लिखो, अब देखो कितने कमेंट्स आते हैं। हुई जॉनी लिखो नीचे कमेंट्स करो, तुम्हारे माँ की चूत हुई जॉनी एंड मिया खलीफा, अब देखो कितने कमेंट्स आते हैं। लिखो हु इज मिया खलीफा,
लिखो तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी यही औकात है, लिखो मुइज मियाँ खलीफा। देखा लोगों ने लिखना शुरू कर दिया जॉनी सीन, साले यही तुम्हारी औकात है। तुम लोग है ना अमेरिकन पॉर्न मूवी देख के मूठ मार मार के तुम लोगों की है ना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, यही तुम लोगों की औकात है। हकीकत ये है, समझे? यही तुम्हारी औकात है, यही तुम्हारी हकीकत है। और भोसड़ी वालों, तुम लोग इंडियन कल्चर की बात करोगे बहन के, चलो एक बंदा आता है कोई इंडिया में, जय हिंद दोस्तों, तेरे माँ की चूत जय हिंद, ये देख भोसड़ी के जय हिंद वाले सब नीचे बैठे, बहन के लोड़ों को एक सॉन्ग नहीं पता है। बहन चो बड़ी बड़ी बातें, भाई हकीकत से सामना करो, समझे? देखो एक लिख रहा है जॉनी सिंह गुरु है मेरा, पोर्न स्टार को तो तुम्हारे माँ की चूत तुम गुरु मानते हो, देखो एक लिख रहा है वो। भाई यही औकात है तुम लोगों की, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम नल्ले गरीब भिखारी भेड़ चोद नल्ले, जिन लोगों को खुद की कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं है, जिन लोगों को खुद की कंट्री की कंट्री के कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, तुम लोग साले माँ बहनों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, माँ बहनों को भैंसो तुम लोग नंगा नचवाते हो लाई पे, तो पब्लिक भी वहां पे भैंसो मजे लेती है तालियां ठोक ठोक के, ओ आई एम योर बिग फैन, यो ब्रो आई एम योर बिग फैन, तेरे माँ की चूत भोसड़ी के कौन सा मेरे में टैलेंट है जो तू मेरा बिग फैन बन गया, बता? ये जितने भी इंस्टाग्राम लाइव पे तुम लोग जाते हो, तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी, ना तो किसी ने कुछ कम्युनिटी के लिए किया, ये जितने भी इंस्टाग्राम पे तुम जाते हो उनकी बात करता हूं, ना तो उन लोगों ने कुछ देश के लिए किया, ना तो उन लोगों ने कुछ तुम्हारे लिए किया, राइट? ना तो उन लोगों ने भैंचो अच्छा मैसेज तुम लोगों को दिया, और तुम लोग तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी, पनौड़ी एक सेल्फी, पनौड़ी एक सेल्फी, दूसरे किसी लाइफ पे जाओगे यो ब्रो आई एम योर बिग फैन, साले तुम्हारी माँ की चू तुम्हारी, तुम्हारे बाप को कभी बोला है तुम लोगों ने आई एम योर बिग फैन ब्रो, आई एम योर बिग फैन बड़ी, कभी अपने खुद के बाप को बोला है कि मैं तेरा बहन जो सबसे बड़ा फैन हूं? और तुम साले नल्ले भिखारी लोग, बहन चोद, जो लोग गाली देते हैं, जो लोग तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी, बहन चोद जो गंदी गंदी बातें करते हैं लाइफ पे आके, जो रंडियों को बहन चोद नंगा करते हैं, बहन के लोड़ो तुम लोग बोलते हो कि आई एम योर बिग फैन, साले कुत्तों तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। भैंचो तुम्हारे फैन, फैन का मतलब पता है तुम लोगों को? तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी, डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैन? भैंचोद मैं खुद अपने बाप का फैन हूं, बिकॉज उसने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी, और तुम लोड़ो भैन के लोड़ो अपने बाप के, अपने माँ बाप का नाम, अपनी बहन चोद जिससे तुमको रिस्पेक्ट दी जिन लोगों ने, तुम्हारे बहन की चूत, सारे भिखारी लोग, बहन चोद समझो तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी कौन क्या टैलेंट क्या है? जिन लोगों की तुम लाइन में जाते हो, जिन लोगों की मेरी लाइन में आते हो, किसी की भी लय में जाते हो,
मुझे बताओ कौन सा टैलेंट क्या उन्होंने देश के लिए किया, क्या कम्युनिटी के लिए किया, क्या तुम्हारे माँ की चूत राइट खुद के लिए किया, और तुम लोग भोसड़ी वालों ये बोलते हो आई एम योर बिग फैन। सालो कुत्तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। डू यू हैव एनी सेंस, कॉमन सेंस? आपको कुछ कुछ सेंस के फक यार हैं जो लोग गाली देते हैं लाइव पे आके, रील्स बनाते हैं, नॉर्मल बातें करते हैं, आई एम योर बिग फैन। वो गंडवे का किसी ने 100 केक काट दिया, अपने बाप का उन लोगों ने कभी केक नहीं काटा होगा 100, अपने खुद के बाप का उन लोगों ने 100 केक नहीं काटा होगा, 50 केक नहीं काटा होगा। अरे बहन चो 50 केक तो जाने दो, 20 केक भी उन लोगों ने कभी अपने खुद के बाप का नहीं काटा होगा। उन नल्लों ने बहन चोद किसी ने 20 केक काट दिए, किसी ने 50 केक काट दिए, किसी ने 100 केक काट दिए। अरे भोसड़ी वालों मर जाओ, थूकता हूं तुम्हारी जिंदगी पे मैं, देखो ये थूकता हूं मैं तुम्हारी जिंदगी पे, देखो ये कि बहन चोद खुद के बाप की तुम लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं की, खुद के माँ की तुम लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं की, और बहन चोद किसी के भी तुमने 100 केक काट दिए। यही तुम्हारी औकात है भोसड़ी वालों, समझे? यही तुम्हारी बहन के लोड़ो औकात है, और यही हकीकत है बहन चोद। छोड़ो नल्लो, तुम्हें क्या बोलना है यार, तुम्हें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें बहन चोद कहीं लोग शहीद हो गए देश के लिए, कहीं लोग ने अपनी जान दे दी, फिर भी तुम लोग भोसड़ी वालों, तुम्हारे माँ की चूत 2-4 दिन बात करोगे, उसके बाद तुम भूल जाओगे। यही तुम्हारी फितरत है, यही तुम्हारी औकात है बहन चोद, समझे ना तुम लोग? यही तुम्हारी फितरत है। 2-3 दिन तुम लोगों ने स्टोरी बोरी डाल दी, ये किया वो किया, एंड बहन चोद देश का झंडा उठा लिया 2-3 दिन के लिए, और बहन चोद भूल गए सब 2-3-4 दिन बाद, ठीक है? यही तुम्हारी औकात है, तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी। नहीं, तुम नल्ले लोग हो, यू गाइस नेवर चेंज। नल्ले भिखारी, गुलाम लोग हो तुम, डू नो गुलाम लोग हो तुम, तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी। साले किसी को भी बोल दोगे आई एम योर फैन, किसी 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 इंस्टाग्राम पे 2-4 लोग जानने लगे, 15-20-25 लोग उसको जानने लगे, तो तुम लोग किसी को भी अपना फैन फैन बोल दोगे, तुम्हारी फैन की चूत तुम्हारी। साले फैन उसको बोलते हैं जो बहन चो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर जाता है, कुछ बहन चो समाज में, कम्युनिटी में, कंट्री के लिए कुछ नई सोच लेके आता है, उसके लोग बहन चो फैन बनते हैं। तुम साले नल्ले लोग बहन चो आजकल के इंस्टाग्राम वाले, उनकी बहन की चूत इंस्टाग्राम पे बहन चोद ये रोस्टिंग के नाम पे तुम लोगों ने रंडी खाना खोल के रखा हुआ है। बहन चोद कोई आके अपना लंड दिखा रहा है, कोई आके अपनी चूत दिखा रही है। सालो दगर दल्ली मादे बच्चो, कंजरी मादे बच्चो, बहन के लोड़ो, तुम इंडियन कल्चर की तुम लोगों ने माँ बहन एक करके रख दी है इंस्टाग्राम लाइव पे। साले कुत्ते लोग, लाइव चलानी है तो तुम्हारे बाप ये पनौड़ी जैसी चलाओ, मेरी लाइव पे दुनिया को, देश को, कम्युनिटी को एक संदेश मैं देता हूं, कितनी अच्छी मैं मेरी लाइव चलाता हूं। सालो दगर दल्लो के भोसड़ो, भगवान से डरो, मादरचोद भगवान से डरो, ऊपर वाले को जवाब देना है तुम लोगों को।
चलो छोड़ो, तुम लोगों को क्या कहना, साले दगड़ दल्ली की रंडियों के भैंचो।